हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक थ्योरम जो कि एनालिटिक फंक्शन के हार्मोनिक फंक्शन से है, जिसका स्टेटमेंट है प्रूफ दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। इसको दूसरी तरीके से पूछा जाता है, सो दैट ए हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई ए डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू 0। ये दो क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं, तो चलिए आज इसका प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई एंड जेड बार इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू z प्लस जेड बार बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस जेड बार अपॉन 2 माइनस आई अपॉन। यहां पर हम x और y के पार्शियल डेरिवेटिव z एंड z बार के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो लिखते हैं डेल x अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा एंड डेल वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई वाई 2 आ जाएगा। डेल एक्स अपॉन डेल बार इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा एंड डेल वाई अपॉन डेल जेड बार लेंगे, ये आ जाएगा आई बाई 2, पॉजिटिव हो जाएगा। लेट ए फंक्शन f जो कि x और y का फंक्शन है, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट करके एफ जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू। इनको ऊपर की इक्वेशन को इक्वेशन ए देते हैं, यहां से वैल्यूज को पुट करेंगे 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल एफ अपॉन डेल वाई, सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू, इसको भी इक्वेशन वन से इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल एफ अपॉन डेल वाई मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को कमांडली इक्वेशन नंबर बी दे देते हैं। नाउ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार की वैल्यूज को निकालते हैं। डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड बार ऑफ एफ, तो यहां से डेल एफ अपॉन डेल जेड एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड बार दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल एफ अपॉन डेल वाई। इनको मल्टीप्लाई करने पर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा 1/4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एफ को बाहर कर देते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड, डेल जेड बार, दोनों तरफ से एफ को हटा देते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जो फोर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। तो ये यहाँ से हमारा फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। आगे देखते हैं, इफ यू इज हार्मोनिक फंक्शन, यदि यू हार्मोनिक फंक्शन है तो पढ़ा है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इज इक्वल्स टू जीरो। ऊपर इक्वेशन इसको c दे देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यूजिंग इक्वेशन सी वी गेट, यहां से वैल्यू रखेंगे फोर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू जीरो। फोर जीरो में डिवाइड में जाएगा, देन डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी प्रूफ हुआ, हेंस प्रूफ्ड। तो दोस्तों, मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।